एनिमेट विद वरुण और आज हमारे साथ एक छोटा सा सरप्राइज है. ही इज माय सन. हिज नेम इज पूरा नाम बताओ. वेदांत चावला. यस. हिज स्कूल नेम इज वेदांत चावला एंड हिज निकनेम इज शेरी. तो ये बार बार मेरे से पूछ रहा था कि पापा क्या शूट कर रहे हो, क्या शूट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो. तो मैंने बोला कि बेटा शूट कर रहा हूँ मैं. तो कह रहा मुझे भी देखना है, तो इसलिए ये आप लोगों को हाय बोलने के लिए आ गया. एक बार हाय बोल दो सबको. ठीक है, अब पापा वर्क कर ले, कर ले. ही इज 4 years ऑफ एज. तो आज इसके स्कूल की छुट्टी है, तो ये आज आ गया. आज इसके साथ खेलने कूदने का टाइम होता है. तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह शूट कर लेता हूँ, उसके बाद तो सारा दिन इसके साथ खेलना ही है. चलो बाय कर दो एक बार सबको. तो होपफुली आप लोगों को 2-point perspective वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा. और आप लोगों को मैंने बोला था कि गूगल से लेकर प्रैक्टिस करना के 2-point perspective स्केचेस डालोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे. तो उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन क्लासेस में या इस तरीके के, मतलब इस तरीके के वीडियो क्लासेस में. तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको फोर्सफुली बोल सकूं कि आपको बैठ के असाइनमेंट अपना कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं बच्चों को बिठा लेता हूँ कि हाँ भाई 4-5 घंटे बैठो, इसको फिनिश करो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. बट अगर मैं इस तरीके से चलूंगा तो हमारी सीरीज बहुत लंबी होती चली जाएगी. तो मैं ये चाह रहा था कि एटलीस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो जो कमिटेड है लोग, जो सीख रहे हैं एक्चुअली या जो सीखना चाहते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली कर ही लेंगे. एस मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, डीएम में कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं उस पर आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर दूंगा. सो ये तो था हमारी पिछली क्लास का काम. इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ, होपफुली क्लियर हो गया होगा सबको. इसको हटा देता हूं मैं. और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज 1-point perspective. 1-point perspective. जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये 1-point perspective है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पहले थे 2 vanishing point थे, आई लेवल लेकर हम काम करते थे इस तरीके से, लेकर इस तरीके से, इसके अंदर होगा हमारा 1 vanishing point. हम जितने भी इंटीरियर्स बनाते हैं ना, इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर होगा, जिसमें हम देखते हैं कि हम एक रोड पर चल रहे हैं और दूर तक ऐसे तरीके से रोड जा रही है और जाके उस पॉइंट के आगे हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा आगे, दैट इज द वैनिशिंग पॉइंट. तो ये इसका एंगल इस तरीके का बनता है, जैसे कि आप सपोज करो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो और इस तरीके से रेलवे ट्रैक को जाते हुए देखते हो. हम वो बनाएंगे पेंसिल और पेपर के थ्रू, बहुत अमेजिंग व्यू बनेगा. मैं आपको फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ. इसके अंदर ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट है. जो हमारे रूम के भी इंटीरियर्स बनते हैं ना, और जो आप लोगों ने किसी ने बैटमैन स्पाइडरमैन देखी होगी जिसके अंदर ओवर द हेड शॉट आता है, लाइक बर्ड व्यू कह लो आप, बर्ड व्यू शॉट आता है जिसमें हम ऊपर से नीचे का शॉट आता है या नीचे से ऊपर स्काई का शॉट दिखता है, वो वाले भी सारे आपके 1-point perspective के थ्रू बनते हैं. हम लोग जब कार्टून वगैरह देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि इनके पीछे इतनी मेहनत होती है, और हम तो 2 सेकंड में बस वो कार्टून चल रहा है, हंसी मजाक में चीजें निकाल देते हैं. बट इनको बनाने में एक्चुअली काफी मेहनत लगती है और काफी स्किल की जरूरत होती है. तो इसके अंदर हमारा जैसे 1-point perspective होता है, यही हमारा आई लेवल हो जाएगा, यहां से हमारी लाइन जाएंगी. सपोज करो ये हमारा रेलवे ट्रैक बन रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी इस तरीके से जाएंगी. इसके अंदर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन भी एड हो जाएंगी, वर्टिकल लाइन हमारी इस तरीके से चलेगी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल बन गई, ब्लॉक बन गया, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट बन गया, राइट. ये वाली लाइन हमारी वैनिशिंग पॉइंट पे, ये यहां पर जितना भी है स्ट्रेट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, राइट. तो हम इसको इसी को बनाएंगे, इसी को अभी बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे हम पेंसिल और पेपर के थ्रू. सो चलो चलते हैं पेपर पे. सो ये वापस अब हम आ गए पेपर पे अपने. मैं यहां पे ऊपर मेंशन कर देता हूं 1-point perspective. इसके अंदर क्या है हमारा ना, एक वैनिशिंग पॉइंट रहेगा, आप कहीं पर भी ले लो, ठीक है, जहां पे आपका वैनिशिंग पॉइंट रहेगा वहीं पर आपका आई लेवल रहेगा. ये आपका आई लेवल हो गया, मैंने यहां पर रखा है ये इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन हमारी पेपर पर जाएगी इस तरीके से, ठीक है. सो अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इस पॉइंट को हम यहाँ पर थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर भी कर सकते हैं, जहां पर भी हमें रखना है अपनी कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंगली. अब हम यहां से क्या लेकर आएंगे, यहां से हम अपनी लाइंस को लेकर आएंगे इस तरीके से,
मैं फ्री हैंड लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों को विथ स्केल लेकर आनी है। और मैंने बताया हुआ है कि विथ स्केल आपको इसके साथ मेजर करना होता है, जो आपका पेपर का बॉर्डर होता है उसके साथ आप स्केल को सीधा रखोगे तभी आपको आइडिया लग जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार फिर से करके, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि जैसे बीच में से वीडियो कोई स्टार्ट किया या कुछ है तो पता नहीं चल पाता। आपको ये वाला स्केल यूज करना है ट्रांसपेरेंसी में, सो देट आपको पीछे वाला एरिया दिख जाए। ये आपका स्केल हो गया और यहां से आपने शीट के बॉर्डर एज को मैच किया, और यहां से आपको मेजर करना है कि भैया तभी आपको सेम एरिया होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये हमारी लाइन सीधी आ रही है। तो आप लोगों को स्केल से बनाना है, मैं स्केल से बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं ऐसे बना रहा हूँ। सो यहां से ये हमारा गया, मुझे क्या चाहिए अब, मैं इसको रेलवे ट्रैक भी बना सकता हूँ, मैं इसको रोड भी बना सकता हूँ, मैं फिलहाल आपको रोड बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये हमारा बन गया, यहां से दो लाइन आ गई, ये हमारी फुटपाथ की थिकनेस की लाइन आ गई। इसके अंदर भी हमारी तीन तरीके की लाइन चलेगी, एक हमारी जो आएगी वो वैनिशिंग पॉइंट से आएगी, सेकंड इसके अंदर होगी हमारी वर्टिकल, थर्ड होगी हमारी इसमें हॉरिजॉन्टल। और जो टू पॉइंट परसेंटिव उसमें किया था उसमें क्या था, एक हमारा लेफ्ट वैनिशिंग पॉइंट था, एक हमारा राइट वैनिशिंग पॉइंट था, उसमें एक लाइन हमारी आती थी लेफ्ट से, एक आती थी राइट से, और एक होती थी स्ट्रेट वर्टिकल, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं थी, बट इसके अंदर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी क्योंकि हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट एक ही है। तो अब यहां पर मैंने हल्की सी एक गाइडलाइन और ले ली बेस को रखने के लिए, यहां पर मैंने ले लिया एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन कि मुझे यहां पर एक घर बनाना है। ये वाली जो लाइन जाएगी ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जाएगी इस तरीके से, ताकि हमारे पास इस तरीके की डेप्थ आ जाए। और जो ये फ्रंट फेसिंग होगी, जो रोड साइड फेसिंग है, उसको हम लेकर आएंगे वैनिशिंग पॉइंट से, यहां से ऊपर वाली लाइन को लेकर आएंगे। नीचे वाला हम ऑलरेडी एक बेस तैयार कर रहे हैं जिसकी लाइन पर हम बाकी चीजें बनाएंगे। जब हमारे पास ये वाली गाइडलाइन आ गई तो उसके बाद हम एक और वर्टिकल लाइन लेंगे, यहां से हम अपने मेन एरिया को डार्क करेंगे सो दैट हम डिफरेंशिएट कर सके। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी गाइडलाइंस हो गई, ये सारी हमारी गाइडलाइंस होती है जो हल्की हल्की है, राइट। तो यहां से ये गए, मुझे इसमें डोर बनाना है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लूंगा, यहां से मैं वैनिशिंग पॉइंट की साइड जाऊंगा, गाइडलाइन ले ली, देन अगेन स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। ये मैंने ये वाली लाइन को मैं वैनिशिंग पॉइंट पे इसलिए लेकर गया क्योंकि हमारी फ्रंट साइड फेसिंग है, जो हमारा इस साइड फेसिंग है उसमें हमारा कुछ भी वैनिशिंग पॉइंट से नहीं है। सिंपल एक आपने स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ले ली, हॉरिजॉन्टल की गाइड्स बना ली। अब आपको जो भी बनाना है, विंडो बनानी है, कोई बोर्ड बनाना है जिसपे शॉपकीपर्स एडवर्टीजमेंट करते हैं वो बनाना है, तो ये चीज हमारी बनेगी। हाँ, इसके अंदर जो डेप्थ आएगी वो आएगी आपकी वैनिशिंग पॉइंट से। ये हमारे वैनिशिंग पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन से गया मैं, ये छोटी सी मैंने लाइन लेनी है ये वाली वहां से, सो दैट हमें एक डिफरेंट एंगल मिल जाए। ये आ गया हमारी स्ट्रेट वर्टिकल एंड देन आ गई हमारी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। अब आप खुद ही डिफरेंस देख के पता कर सकते हो कि ये वाली हमारी बेसिक लग रही है, ये वाली हमारी विद वॉल्यूम लग रही है। जितना इसको भरते रहो, जितना इसके ऊपर काम करते रहो, उतना मजा आता रहेगा काम करते करते, राइट। इस तरीके से अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना आपको दिखाता हूँ कि फ्रेम वगैरह कैसे बनता है, आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे एक बड़ी बना के दिखाता हूँ कि हम चीजों को कितना एडवांस में लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट का क्लियर होना पहले जरूरी है। मैंने ये दो लाइंस बना दिए यहां पे, डबल कर दिया, इनमें से कोई भी लाइन मेरी उधर नहीं गई है वैनिशिंग पॉइंट पे। अब मैं यहां से इसको वैनिशिंग पॉइंट पर लेकर जा रहा हूं, ये गया मैं वैनिशिंग पॉइंट पे, यहां से ये गई लाइन मेरी वैनिशिंग पॉइंट पे। अब आप देख रहे हो कि कैसे पूरा फ्रेम बन गया है। अब फ्रेम बनने के बाद मैंने इसके बीच में वर्टिकल लाइंस दे दी, यहां से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस दे दी। आप देख रहे हो कि इस विंडो में और इस विंडो में कितना डिफरेंस आ गया है। तो हम इसी तरीके से ना चीजों को एक्सटेंड करते हुए चलते हैं, बढ़ाते हुए चलते हैं। अब मुझे सपोज करो इसके ऊपर शेड चाहिए कि भैया जैसे यहां पर शेड नहीं बना देते कि भैया अंदर बारिश वारिश ना आए, या वुडन फ्रेम है तो खराब ना हो जाए उस चीज उस पर्पज से। तो क्या कर रहा हूं मैं, यहां से एक लाइन लेकर आया, ये लाइन लेकर आया,
थिकनेस मतलब हाइट मैंने बना दी, यहां से एक और लाइन लेकर आ गया, ये गया, ये मैंने वर्टिकल लाइन देके इसको कट कर दिया, ये दोनों लाइन जो आई है मेरी, ये आई है मेरी यहां से। अब मैं लेकर जा रहा हूं इसको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल देके मैंने कट किया, यहां से ये गया, ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहां से भी मेरी ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जाएगी, और ये जो एक लाइन मेरे को यहां से मैच करानी है जैसे मैंने ये वाली कराई थी, वो भी हमारी आएगी वैनिशिंग पॉइंट से। तो ये हमारे इसके ऊपर का शेड बन गया। ये मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बेसिक बना दिया। अगर आपको करना है तो मैं थोड़ा सा यहां पे ऊपर और क्लैरिटी से बताता हूं। यहां पे अगर आपको करना है तो यहां से लाइन लेकर जाओ, यहां से लाइन लेकर जाओ, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लेकर जाओ, यहां पर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लेकर जाओ, इसके बाद इसमें कर्व दे दो आगे, जैसे फाइबर शीट्स में होता है ना, उस तरीके से कर्व दे दो। अगेन यहां से ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, ये चीज आपकी बैक साइड पे जाएगी, ठीक है। ये हमने यहां पे स्ट्रेट वर्टिकल दे दी थिकनेस, जिससे हमारी डेप्थ आ जाती है हाइट की। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, कर्व बन गया, कर्व बन गया। इस पे ये हमने इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमने एक डिजाइन दे दिया इस तरीके का, राइट। अब ये हम जो नीचे वाली लाइन है उसको मिटाते हैं, जो हमारी स्ट्रेट जा रही है, और सिर्फ हम रखेंगे ये वेव्स को। सो अब हमें नीचे का भी एरिया दिखेगा, यहां से हम गए यहां पे, ये अगेन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, ये गई हमारे यहां पे, एक और कॉर्नर हमें मिल गया। कोई भी कॉर्नर हम खाली नहीं छोड़ेंगे, सब जगह फिल आएगा। अब आप ये देखो कि जो आइसक्रीम कार्ट होती है, चीजें होती है, उस पर इस तरीके की शेड या फाइबर शीट वगैरह लगी होती है इस तरीके का। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। सामने से अगर आपका लाइन्स आ रही है, ये हम लेकर गए, आपको पहले ही इस चीज को देखना कि यहां से वैनिशिंग पॉइंट से आओगे तो आपके ये ऑटोमेटिकली यहां पे आपको कितनी चौड़ाई थिकनेस रखनी है। ये देखो ये मैंने रखा, ये मैं वो वाली व्हाइट स्ट्रिप्स बना रहा हूं जो रोड के सेंटर में होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आपने डार्क कर दिया। अब जो ये वाला गैप है, अगली वाली का गैप इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, राइट। ये लिया, ये गए हम इसके साथ, फिर अगली वाली को और कम करो, आपको फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा काम करते हुए। और इतनी सी टेक्निक के साथ सिर्फ तीन तरीके की लाइंस, भैया आपको कोई गॉड गिफ्टेड होने की जरूरत ही नहीं है, मजा आ जाएगा। आपको फील आ रहा होगा कि भैया मेरी पास की रोड है, दूर जाते जाते रोड मेरी ऐसी दिख रही है। यहां से आपको बनाना है, चलो मैं ये वाला शेड है जो मैं इस तरफ बनाकर दिखाता हूं आपको, ये हम गए हॉरिजॉन्टल, ये गए हम इस तरफ ऐसे, ऐसे गए, यहां से गए हम अगेन हॉरिजॉन्टल। ये तो हमारा बन गया बेसिक स्ट्रक्चर। हाइट की लाइन दे दो, हॉरिजॉन्टल, हाइट की लाइन, ये बना हमारा एक बेसिक डब्बा। अगेन आप कर्व दे दो आगे की तरफ, इसी के अकॉर्डिंगली ये गए हम इसके साथ, थोड़ा सा हाइट बढ़ा देते हैं, बस देखने में सही तो लगे। बस अब इस पे जैसे वो कपड़े का पैटर्न होता है ना, वो दे दो इस तरीके से, हमने पैटर्न दे दिया कपड़े का इस तरीके से। मैं कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा रफ में बना रहा हूं, बनेगा बहुत ब्यूटीफुल। आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करो, फाइनल आउटपुट देख के आपको मजा आ जाएगा। ये है आपका डोर बन गया, आपको आगे का मैट बनाना है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेकर आओ, लेकर जाओ यहां से, राइट। अब अगर आप सपोज करो स्ट्रीट लाइट भी बना रहे हो ना, तो स्ट्रीट लाइट भी आपकी ऐसी जानी चाहिए। ये आप लेकर गए सीधा, ये आपका हॉरिजॉन्टल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रीट लाइट जो आपकी होती है सड़कों में जो लगी होती है, इस वाली शेप को आपने जो दुनिया भर का जितना ब्यूटीफुल डिजाइन देना है दे दो, ठीक है। ये लो जी, आई लेवल से ऊपर है तो आपको इसके अंदर का एरिया जरूर दिखेगा,
ध्यान रखना, आई लेवल से नीचे होगा तो नहीं दिखेगा। ये अब हमारे ना पॉइंट्स बन गए, नीचे का हमारा ये बेस बन गया, नीचे का ये बेस बन गया, ठीक है। मैं इसी को बेस कह रहा हूँ, ये लो, ये बेस बन गया। एक लाइन, दो लाइन यहां से जाएगी जो इसकी हाइट बता रही है, यहां से जाएगी लगभग यहां से ले लो जो हमें इसका बॉटम बताएगा, ठीक है। अब एक एक चीज को लेकर चलना, सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। जो ये बीच का गैप है ना, ये कम होता जाएगा। तो पहले तो ये डंडे बना लो, स्ट्रेट वर्टिकल में डंडे बनेंगे। ये वाला जो डंडा है हमारा, इसकी लाइन हमारी कहां तक जाएगी, ये वाली लाइन जा रही है। लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल जाएगी, कहीं लाइन को मिलाने के चक्कर में स्केल टेढ़ा मेढ़ा कर लो नहीं, आंख बंद करके बस बनाते चले जाओ, मजा आ जाएगा जब ये फाइनल आउटपुट आप देखोगे तो। ये गया हमारा इसके साथ, नीचे का बेस हमारा ये, इससे थोड़ा सा कम गैप रखो। अगेन इससे थोड़ा सा कम गैप, बहुत आराम से बनाना, पेशेंस में, कान में गाने लगाओ आराम से और बनाते चले जाओ। दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद जब ये बन के आउटपुट खत्म होगा ना, आप देखोगे भाई ये क्या, मैं ये बना सकता था पहले। ये देखो आपको पता चल रहा है कि पास वाली चीज बड़ी दूर जाती है, छोटी होती हुई आपको ये पता चल रहा है सारी चीजों का, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बताया जैसे हट आपको बनानी है, ठीक है। ये है बेस तो हमने ले ही रखा है, ये ले लिया। सबसे पहले तो बाहर का एरिया बना लिया, ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ले लो। ये गए हम पीछे तक इसके, ये गए हम पीछे तक इसके। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कोई चीज क्रॉस लेनी है, सपोज करो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको इस पेज का, लो इसी पेज की बताया था मैंने, तो अगर आपको इसका पेज का मिडल पॉइंट लेना है तो आपको क्रॉस करना है, यहां से यहां क्रॉस करोगे, यहां से यहां क्रॉस करोगे तो यू विल गेट योर मिडल पॉइंट। इसी तरीके से आपको ये हट में क्या चीज करनी है, आपको इसका मिड पॉइंट चाहिए क्योंकि हट थोड़ी सी हमारी ऐसी होती है, तो आपको इसको यहां से लेकर जाना है, इसको आपको यहां से लेकर जाना है। यू विल गेट योर मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट से वर्टिकल लाइन ले जाओ, जितनी भी आपको हाइट लेकर जानी है वो आपकी यहां से कनेक्ट होगी और वो आपकी यहां से कनेक्ट होगी। ये वाली जो दो लाइन है ये आपकी वैनिशिंग पॉइंट से नहीं आ रही है, ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसके अंदर क्या टेक्निक यूज हो रही है, क्रॉस करके आप ऊपर लेकर गए और उसको पॉइंट टू पॉइंट आपने ज्वाइन करवा दिया, और जो ऊपर वाली लाइन आपकी बनेगी ये बनेगी आपकी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। ये बना दिया, ये लो मैं आगे एक पाइप भी बना देता हूँ। मतलब चीजें ना थोड़ी बहुत आप ऐड करते रहोगे ना, आसपास की लोकेलिटी को जज करो, चीजें करो। देखो अब आप बताओगे कौन सी ऐसी कार्टून सीरीज है, कौन सी मूवी है जो बिना बैकग्राउंड के सिर्फ सिर्फ आपका करेक्टर करेक्टर ही है उसके अंदर, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आप बैकग्राउंड पीछे कुछ ना कुछ तो रखोगे, चाहे कूड़े का ढेर होगा, चाहे कोई सिटी होगी, चाहे झोपड़ी होगी, कुछ तो होगा। तो वो सारी चीजें आपकी बनती भाई साहब इसी तरीके से है। तो ये देखो शटर बनाना, यहाँ पे भैया बंदे ने दुकान किराए पे चढ़ा रखी है, ये लो शटर बना दिया। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस, शटर के ऊपर ना ये भी होता है, जब वो रोल होना होता है ना, रोल होके शटर हमारा यहाँ पे जाता है। तो इस तरीके से आपका ये सारा का सारा बनेगा। ऊपर स्काई हमें ब्लैंक सा लग रहा है, इसमें हमने थोड़े से क्लाउड बना दिए, और ये भी ऐसे बनाने कि मतलब पास वाले बड़े, दूर वाले छोटे, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का फील आए। और सपोज करो जब यही चीजें एनिमेट हो जाएंगी ना, अरे ये लो हम थर्ड फोर्थ क्लास वाली वो चिड़िया भी बना देते हैं, ये लो हमारी चिड़िया उड़ रही है, ये सबसे इजी काम है। तो ये है अब आपका, ये देखो जो हमने ये बनाया था फुटपाथ का, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस दो, देखो यहां पर हाइट आ गई, यहां पर वो बना दो जो पानी, सीवर का पानी बारिशों में इकट्ठा होके कहां जाएगा, नीचे जाएगा। ग्रिल बनानी है उसकी, ग्रिल बना दो इस तरीके से,
समझ गया ना, इसमें इस तरीके से क्लैरिटी है, छोटी छोटी फॉइलेज बना दो किनारे पर, हमने ये बना दी, ये हमारे सजेस्टिव लाइंस हो गई, जैसे फुटपाथ का जैसे पैटर्न नहीं हो जाता, ये हमारी इस तरीके से सजेस्टिव लाइंस हो गई, ये इस तरीके से गए, ये वाली जो लाइन मैं बना रहा हूँ ना ये यहां से आ रही है और ये मेरी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा सीन इस तरीके से रेडी हो जाता है। कुछ मर्जी है भाई साहब, आपको कुछ मर्जी बनाना है, इसमें गाड़ी बनानी है आपको, ये लो मैं गाड़ी बता, तो बहुत एडवांस पे है, लेकिन आप जैसे ना ये वाला पीछे का पूरा वीडियो को रिवाइंड करके देख के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाओ, कोई चक्कर नहीं है। कार कार बनाओ, जहाज बनाओ, जो मर्जी बनाओ, बस गाइडलाइंस को फॉलो कर लो, हल्का सा आपका जो वो है ना मजा आ जाएगा, आपके डायनेमिक फील आता है पूरा। ये लाइन तो हमारी वर्टिकल रहेगी, राइट, वर्टिकल, गाइडलाइंस कर दो फाइनल। अब यहां पर हमारे टायर रहते हैं, वो हमारे फ्री हैंड बनेंगे, लेकिन बनेंगे इस गाइडलाइन से, अगला टायर छोटा, पिछले की तो हमारी जगह ही नहीं बची, वो पीछे चला गया, तो वो हमारा बनेगा इसी तरीके से। और ये सर्कल कहां से बनेंगे, जो सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था ना बेसिक एक्सरसाइजेस का, वहां से सर्कल बनेंगे, वो वाला ऐसे बनेगा, ये वाला बिल्कुल ऐसे बनेगा, जगह नहीं बची यहाँ पर बनाने की, चलो और किसी असाइनमेंट में भी बताऊंगा। ये है, ये बन गया था, अब इसके बाद आप वॉल्यूम दो इसको, ताकि वो लगे फील आए। ये पीछे की हमारा टिक्की का एरिया डबल लाइन बना देंगे, सो दैट और डेप्थ निकल के आने लग जाए। छत हमने वो कर दी, क्या कहते हैं, मैट, मैट टेपिंग करवा दी, तभी क्लियर नजर आएगा। छोटा छोटा जितनी डिटेलिंग डालनी है उतनी डालते चले जाओ। अंदर आपने स्टेयरिंग बना दिया, ये शीशा है, यहां से ये हमारा जल्दबाजी में थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये हमने इरेजर यूज कर सकते हैं, इरेजर का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ है कि वो आपकी छोटी मोटी जो गलतियां हैं उसको आप रेक्टिफाई करके दोबारा उसको ठीक करके बना सको, तो कोई चक्कर नहीं है इरेजर यूज करने में भी, लोग ज्यादा ओवर स्मार्टनेस में ना करते नहीं है कि भैया हम तो बहुत बड़े वो हैं, तो आप करो ये सारा बनाओ इस तरीके से, आप गाड़ियां बनाओ, एक इधर से जा रही है उधर से आ रही है चीजें, ये है सारा हमारा जो पूरा का पूरा आप बना सकते हो। आई होप इसी के अंदर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो हम तो बैठे ही हैं। तो ये था आज की क्लास में, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ ना कुछ जो हो वो इंस्टा पे डीएम करके आप चीजें करके मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो होपफुली आप लोगों को आज का ये सेशन भी समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और प्लीज मुझे इस तरीके से पता नहीं चलता क्योंकि फिलहाल तो मैं कैमरा पे बातें कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोगों को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। तो प्लीज जो लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो एक तो अपना टाइमिंग लिख दो कि भैया मैं 3 से 4 क्लास अटेंड कर रहा हूं, या फिर ये लिख दो कि भैया मुझे इस चीज के ऊपर डाउट है, कि जितने कमेंट्स होंगे जितनी चीजें होंगी मुझे तभी पता चल पाएगा कितने लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं और काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और ये जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है इसकी मैं कम से कम 2 से 3 से 4 सेशंस लूंगा क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, क्योंकि कई बार होता है कि मैं बोल तो रहा हूं कि मल्टीपल हम व्यूज इसके थ्रू बना सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि जब हम चीजें करते हुए या होते हुए देखते हैं ना तब हमें और ज्यादा अच्छे से पता चलता है, उसके लिए मुझे फिर क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सो भाई मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके ऊपर अच्छे से स्टडी करो, बहुत बेसिक चीजें हैं ये, लेकिन बहुत एडवांस की चीजें, ये कोई नहीं बताता, कहीं पर नहीं पता चलती हैं इजीली, ये मैं आपको बता रहा हूं तो आप सीख लो,
तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए भी। बस अब सेम डायलॉग हमेशा की तरह, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आगे जुड़े रहने के लिए, और अगर और लोग भी जो सीखना चाहते हैं उन लोगों के साथ आप वीडियो को शेयर करो। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, बाय।